Supplementary, Sri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. Sir, in the statement laid by the ministry, the population of the Asian elephants has been updated only up to 2017 and the stray dogs up to 2019, sir. The drastic increase of the stray dogs are in the recent days only, sir. It has to be updated. My pointed question is, considering the long-term impact and the ethical concerns of using immunocontraceptives on the social complex species, which has resulted in the human and wild animal conflict, along with the injection issued by the Supreme Court of the usage of this immunocontraceptives, what are the other alternatives the ministry is having to contain the population? Thank you very much. Honorable Minister. ये बात सच है कि कई देश के भागों में जो वन्य जीव हैं उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है कई स्पीशीज के कारण हम लोगों ने WIA को एक रिपोर्ट बनाने को कहा था. WIA ने अपनी रिपोर्ट में इसमें ह्यूमन कॉन्ट्रोसेप्टिव के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इसको फूड आइटम के अंतर्गत भी हम लोग दे सकते हैं और भी उन्होंने अन्य सुझाव दिए हैं. उनकी इंटरिम रिपोर्ट अभी हमारे मंत्रालय के पास है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं. जहाँ तक आपने सड़क के आवारा कुत्तों के बारे में बात करी है, उनके विषय के अंतर्गत ये जो ये जंगली जीव के अंतर्गत नहीं आते हैं, ना वाइल्ड एनिमल के अंतर्गत आते हैं, ना हमारे शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं. स्थानीय नगर पालिकाओं के द्वारा उसका प्रबंधन किया जाता है. के अंतर्गत लाइव डाटा जो है जो अन्य मंत्रालय देखता है उनके अंतर्गत आता है. वन सेकंड. हां यस, दिल्ली के बंदरों का भी पूछ करो. वही पूछो सर. मैं आपके यू विल हैव टू डिफाइन बंदर किसको कहते हैं. दैट मे बी अ सीरियस प्रॉब्लम. सर मैं आपके माध्यम से जो दिल्ली की एक समस्या है उसमें नहीं जाता वाइल्ड हैं या पालतू हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में इन अब दूसरा शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर सकता बंदरों की वजह से एक आतंक पैदा हो गया है कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाए, क्या सरकार इसके संदर्भ में कोई सुरक्षात्मक कदम उठाएगी? बस मैं आपने माननीय मंत्री जी. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं. और जहां तक ये बंदरों का विषय आपने कहा है, जो दिल्ली के अंदर जो बंदर पाए जाते हैं और जिसका प्रश्न आपने पूछा है वो वन्य जीव के शेड्यूल 1 और 2 के अंतर्गत नहीं है. जयराम जी को ज़्यादा पता है क्योंकि जो बाकी 11 किस्म के बंदर है, जो एसमीज मैस्क्यूक है, अरुणाचल मैस्क्यूक है, बॉनेट मैस्क्यूक है, लॉयन टेल मैस्क्यूक है, निकोबार लॉन्ग टेल मैस्क्यूक है, नॉर्थ पिक टेल मैस्क्यूक है, सेला मैस्क्यूक है और हनुमान लंगूर है, उसको हम लोगों ने वन्य जीव में रखा है. ये जयराम जी की कमेटी की रिकमेंडेशन थी इसलिए हमने इसको वन्य जीव से निकाला है. लेकिन उसके स्टेरलाइजेशन के प्रोग्राम को लेकर के दिल्ली के हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी है. हमने ओखला और आसपास 2-3 क्षेत्र भी डेवलप करे हैं, वहाँ पर हमने विशेष कार्यवाही भी करी है इनको पकड़ने के लिए, इनको स्टेरलाइजेशन करने के लिए जो समस्या आती है, तो इनको फूड में भी इनके कंसेप्टलाइजेशन के लिए कुछ हम कर सकते हैं. वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और हम सब मिलकर के करेंगे. यहाँ पर मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ लेकिन मेरा ये मानना है कि जॉन बिट्रिस और इनकी इनके साथ हम कहेंगे सर सुने तो लगातार दिल्ली सरकार को. एंड यू राइज देयर, you are sir, a very senior member, please. लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग से लेके उच्च न्यायालय के निर्देश को पालन करने के लिए कहते रहे, लेकिन उनकी दिल्ली सरकार की कोई मजबूरियां होगी कि उन्होंने इस पे जितना ध्यान देना था नहीं दिया है, लेकिन उनको देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 106. उन पर रोक लगा दें, ये लोग आके केला खिला के और आकर्षित कर रहे हैं उनको. टमाटर भी टमाटर आजकल कोई नहीं. मुझे तो ये बताइए तिवारी जी, उसके बाद कुछ संगठन विरोध करते हैं उनका विरोध. ये बताइए कि कौन सी पाचन व्यवस्था निर्देशित करूं कि हाउस ऑर्डर में चले.